देर रात जंतर मंतर पर भारी बवाल, पुलिस और पहलवानों में झड़प। दिल्ली पुलिस पर आरोप, नशे में पहलवानों पर किया हमला। एक चिट्ठी और रेसलर्स का मेडल लौटाने का ऐलान, पुलिस से झड़प के बाद फूट फूट कर रोए रेसलर्स। पुलिस ने दो पहलवानों के सिर फोड़े, विनेश फोगाट को दी गालियां। बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर, विनेश ने लगाया जानलेवा का हमला। पहलवानों से हुए झगड़े के बाद जंतर मंतर पर पहुंची स्वाति मालीवाल को पुलिस ने जबरदस्ती लिया हिरासत में। कहा कमाल हो गया, क्या गुंडागर्दी मचा रखी है, स्वाति ने कहा। प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले चरण की वोटिंग शुरू, सीएम योगी ने डाला वोट, बोले ये अधिकार नहीं कर्तव्य है। यूपी निकाय चुनाव, बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डाला वोट, लोगों से की मतदान की अपील। बजरंग दल को लेकर भूपेश बघेल का बयान, कहा अगर जरूरत पड़ी तो यहां भी बैन करेंगे। सीएम ने बजरंग दल पर गुंडागर्दी करने का लगाया आरोप। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हाथ लगा बड़ा मुद्दा, अब शुरू होगी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बलि पर सियासत गरमाई, आज शाम 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी। यूक्रेन में जंग में अब आ रहा पार, क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद बौखलाया रूस, कहा जेलेंस्की को खत्म कर दो। 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा, मजबूरी के चलते पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के सामने घुटने टेके। यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा, पहलवानों के समर्थन में छात्र संगठनों की मांग, ब्रिजभूषण शरण सिंह को करे गिरफ्तार। हिंसा पर बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा मेरा राज्य जल रहा है, मणिपुर की तस्वीरें शेयर कर मैरी कॉम ने मांगी केंद्र सरकार से मदद। अधूरी बिहार में किसकी सरकार है, तेज प्रताप यादव ने अब बागेश्वर धाम के बाबा को दे डाली सीधी चेतावनी। सहरसा में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई, 2,550 लीटर जावा महुआ शराब हुआ नष्ट। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बर्थडे पार्टी के बीच मिर्ची स्प्रे लीक, 22 छात्रों की तबियत बिगड़ी। शामली में भिड़े समर्थक, एक घायल, 4 हिरासत में लिए। बिजनौर में मतदाता ने फाड़ा अपना बैलेट पेपर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट घायल लेकिन सुरक्षित। महाराजगंज में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में पैसा बांटने को लेकर झड़प और हाथापाई, भाजपा नेता ने पैसे और साड़ी बांटकर चुनाव को प्रभावित करने की है कोशिश। शिवसेना को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ संजय राउत का, एनसीपी की आज जो स्थिति है उसके लिए संजय राउत भी जिम्मेदार। सुप्रिया सुले बन सकती है राष्ट्रवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, शरद पवार और अजित पवार में हुई चर्चा। सेना नहीं होती तो अयोध्या में नहीं बनता राम मंदिर, संजय राउत का बड़ा बयान। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश जारी, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग, सकल हिंदू महिला समाज की ओर से बयान दिया गया, जिले के सभी लोगों ने इस फिल्म को देखे। सपा का आरोप, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा कर रही है गुंडई, गजरौला में पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।